नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ हरे लहसुन की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये चटनी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है, तो चलिए बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 200 ग्राम ये हरा लहसुन है, इसे अच्छी तरह से साफ करके और मोटे मोटे टुकड़े में काट लिए हैं। 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक टुड़ा को मोटे मोटे काट लिए हैं और थोड़ा सा धनिया लिए, हरा धनिया। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो गैस ऑन करके गैस पर पैन रख लिए हैं। अब इनमें डालते हैं 1 छोटी चम्मच सरसों का तेल और तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालते हैं 1 छोटी चम्मच जीरा और जीरा को थोड़ी देर चटकने देते हैं। तो जीरा चटक चुका है, इसमें डालते हैं हरी मिर्च और इन्हें भी थोड़ी देर इस तरह से चला लेते हैं। अब इनमें डालते हैं कटा हुआ हरा लहसुन और इन्हें भी डालकर थोड़ी देर इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे, जस्ट आधा 1 मिनट पकाएंगे। चटनी इस तरह बिना पकाए भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से पका देने से चटनी की टेस्ट बहुत बढ़ जाती है, तो ज़रूर पकाइएगा इस तरह से। तो अब ये हो चुका है, अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं अथवा डायरेक्ट मिक्सी जार में भी रख सकते हैं। तो ये ठंडा हो चुका है, अब मिक्सी जार में डाल लेते हैं। तो अब इनमें डालेंगे अदरक और हरा लहसुन, इस तरह से मोटे मोटे टुकड़े में काट कर रख लेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक अथवा 1 छोटी चम्मच और थोड़ा सा लेमन जूस। लेमन जूस बिना भी बना सकते हैं, लेकिन लेमन जूस डालने से चटनी का कलर हरा भी आएगा और चटनी में खटास भी आएगी। तो अब इन्हें पीस लेते हैं। तो इस तरह से चलाते हुए बिना पानी डाले ही पीसेंगे। यदि आपको पीसने में दिक्कत हो तो 1 चम्मच सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, पानी मत डालिएगा। इस तरह से पीसने से चटनी बहुत टेस्टी बनती है और लंबे समय तक चलते हैं। तो अब चटनी पीस चुकी है, तो अब चटनी को एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने एक बाउल में निकाल लिए हैं चटनी को और दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। मैं देखिए इस तरह का होता है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये चटनी। इस चटनी को आप 10 से 15 दिन तक फ्रिज में रखकर खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय के लिए चाहिए तो आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए अथवा आइस क्यूब जमा कर रख लीजिए डीप फ्रिज में यानी फ्रीजर में, तो बहुत लंबे समय तक चलेंगे। तो आप ये चटनी किसी भी मनपसंद डिश के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये चटनी रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप किसी भी रोटी के साथ सर्व कीजिएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगी ये चटनी। तो आप ये चटनी बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।